सरकार की तरफ से आरोपी को बचाने की कोशिश चल रही है। ये हिट एंड रन का मामला साधारण मामला नहीं है, जैसे पुणे में हो गया पोर्शे कार का मामला अग्रवाल फैमिली, वैसे ये मेहता फैमिली। ये जो बाप है इस लड़के का, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। ये लड़के का जो बाप है, जो शिवसेना शिंदे गुट का जो बोलता है कोई नेता है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस के पास अगर नहीं होगा तो हम दे देंगे। किसी अंडरवर्ल्ड गैंग से उनके संबंध है, क्या करता है, इतनी प्रॉपर्टी या इतनी भारी भारी गाड़ी कहां से आती है, उसका हिसाब मुंबई पुलिस को अब करना पड़ेगा। ये मुख्यमंत्री का खास आदमी कैसे बना, जिसका संबंध अंडरवर्ल्ड से सीधा है, आप देख लीजिए एक बार, बोरिवली पुलिस स्टेशन जाकर उसका रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए बोरिवली पुलिस स्टेशन में जाकर। ये तो मैं मुंबई पुलिस कमिश्नर को आह्वान करता हूं, उनका रिकॉर्ड सामने लाइए। इतना शिंदे के साथ किस टाइप के लोग बैठे हैं ये आपको पता चलेगा। इसलिए ये जो लड़का है जो ड्रग्स के नशे में था, और ये नशा जो है वो रिकॉर्ड में, मेडिकल रिकॉर्ड में नहीं आनी चाहिए, इसलिए तीन दिन तक उसको फरार किया था, छुपाया था, और बाद में उनको लाया गया है, अरेस्ट किया है। मुंबई पुलिस के ऊपर भी शंका संदेह की बात आ सकती है। उसमें एक निरपराध महिला को जिस तरह से कुचल दिया लोगों ने नशे में, बार बार कुचल दिया, सड़क पर फेंक कर वापस कुचल दिया, आप देखिए वीडियो, ये तो बहुत ही अमानुष प्रकार है। और ऐसी व्यक्ति कभी जेल से छूटनी नहीं चाहिए। अगर कोई कोशिश करेगा उसको छोड़ने का, तो सड़क पर लोगों ने उसको जवाब पूछना चाहिए पुलिस को, और उनके जो आका है पॉलिटिक्स में, मंत्रालय में बैठे उनको भी। उनको बचाने की कोशिश पहले दिन से चल रही है, क्योंकि बेटे का जो बाप है वो इतना शिंदे वाली शिवसेना का नेता है, और बहुत ही रसूखदार आदमी है, पैसे वाला आदमी है। आप उनका पुलिस रिकॉर्ड जाकर चेक कर सकते हो, पैसा कहां से आता है और क्या है। तो ये बचाने की कोशिश, ये ठाणे जिले का है, तो आप पता चलिए किसके साथ उसके संबंध हो सकते हैं। वर्ली हिट एंड रन में जो लूपहोल्स आए, ये सरकार ने, शासन ने और सरकार के लोगों ने जानबूझकर ये प्रकरण को दबाने की कोशिश की है, इस प्रकरण को लूज करने की कोशिश की है, आरोपी को बचाने की पूरेपूर कोशिश की है। ये मैं तो ये कहूँगा कि इसकी SIT मार्फत जांच होनी चाहिए। जब वो आरोपी 48 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद में वो अल्कोहल कंज्यूम किया है कि नहीं, ये पता थोड़ी चलेगा। इसीलिए उसको छुपाया गया, पुलिस को पता था कि वो कहाँ है, फिर भी उसको नहीं, उसके दो बार उसने खुद की टेस्ट करवाई, और उसको जब लगा कि अभी मेरे बॉडी में अल्कोहल नहीं है, तभी वो आके सरेंडर हुआ और पुलिस ने दिखावा किया, ये स्पष्ट है। और निरपराध महिला की जान गई, उसके ऊपर कोई मदद उसको करने की कोशिश नहीं की सरकार ने। जब तुरंत पुणे में मदद की गई तो यहाँ पे भी करने की आवश्यकता थी, वो भी नहीं किया, और आरोपी को पूरा का पूरा सेफ करने का काम किया है। ये सरकार और पुलिस की, मैं बोलूंगा, ये बदमाशी है। फैमिली डिमांड कर रही है कि मर्डर के चार्ज लगाए जाए FIR में, आप क्या कहेंगे, विपक्ष किस तरीके से? नहीं नहीं, वो तो मर्डर ही है, 1:30 बजे तक उसने शराब पी, और आज अभी मुझे पता चला है कि अंधेरी का भी वो बार में जहाँ भी ये चलते हैं, वो 2-2 बजे तक ये सब चलते हैं, पब हो, डांस बार हो, वो सुबह के 5 बजे तक सब ये चलते हैं, वहाँ पे तो खुलेआम सब ड्रग्स हो, बाकी धंधे हो, सब चल रहे। तो ये इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन मुंबई में होनी चाहिए, जो टाइम है, नियम है, उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये 1:30 बजे तक किसी ने जब वहाँ पे शराब पी, और 1:30 बजे के बाद में गाड़ी, वो इसीलिए वो महिलाओं को घसीटते गया, उस बीच जो वहाँ पे गाड़ी में बैठा था वो ड्राइवर को कॉल कर रहा था, तुम आ जाओ फिर गाड़ी में बैठ जाओ, और ये तुम उसके ऊपर जैसा पुणे में कोशिश की गई वैसे ही वो ड्राइवर के नाम से ये
आरोप लगाने की उसने कोशिश की। ड्राइवर के ऊपर ये अफेंस दाखिल होना चाहिए और ड्राइवर ने गाड़ी चलाया था ये शो करने के लिए उसने जो कोशिश की थी वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। सर, सदन में किस तरीके से मुद्दा उठाया जाएगा विपक्ष द्वारा? कल भी उठाया गया था, आज भी उठाएंगे और इस विषय को जब तक कार्रवाई नहीं होती हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे।